पानी 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 अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। बोल आगे, मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पीना है। मेरा पानी खाना तो बहुत ज़बरदस्त था यहाँ का, ज़बरदस्त खाना है, पर जब बिल आया ना, बिल देख के होश उड़ गए हमारे सबके, पर खाना ज़बरदस्त था, बिल का कोई चक्कर नहीं है। क्या हाल है सभी के, आई होप ज़बरदस्त होंगे। आज मैं निकल गया हूँ जयपुर से उदयपुर, अब बहुत मज़ा आने वाला है सफ़र के अंदर, सो बने रहिएगा एंड तक। दिखाने वाला हूँ कहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, उदयपुर के नज़ारे दिखाने वाला हूँ, सो एंड तक देखो पूरा व्लॉग। इतना भी आसान नहीं है उदयपुर पहुँचना क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फंस के बैठे हैं पिछले तकरीबन 45 मिनट में ट्रैफिक के अंदर हैं और 10 किलोमीटर लंबा मेरे ख्याल से ट्रैफिक हो चुका है, अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं। बाकी जो लेन्स है ना, वहाँ से हमें निकल कर नीचे आना पड़ रहा है लेन के, अब बहुत मुश्किल से कार चल रही है यहाँ पे, कहीं 4x4 लगाना पड़ रहा है, कभी क्या करना पड़ रहा है। सब कुछ देख लिया, जय श्री राम देख लिया, सारे भगवान देख लिया, पर जय लंकेश नहीं देखा कभी यार। अगर किसी का हो तो ऊपर लिखा माता पिता का आशीर्वाद, नीचे जय लंकेश, अगर किसी को पता हो तो जरूर बताइएगा कि इसका मतलब क्या है। पानी 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 पानी, पानी। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। बोल आगे, मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पीना है। मेरा पानी भाई जो हिमाचल का मजा लेने जाता है सेफ रह के, तो वो यहाँ आ सकता है। प्रॉपर पार्ट दिख रहा हूँ, कार आसानी से निकलती नहीं है यहाँ पे। पूरा गिला कर गया भाई। हाँ अनिकेत के डायरेक्ट नाम से बुकिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। आप पहली बार आए होंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गेट है सर? हाँ जी। इसको निकलते राइट साइड ले लेना। ओके ओके। राइट साइड निकलते 20 मिनट से आप लेफ्ट साइड। ओके ओके। फाइनली मिल गई हमें एंट्री, यहाँ पे एक छोटी सी नैना पुरी व्यू बहुत ही सुंदर है यहाँ पैलेस का। गो स्लो, 20 किलोमीटर हमारी। गणेश पोल यहाँ से राइट, ऊपर 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 होटल पे चेक इन करना है, ऊपर। क्या जबरदस्त होटल, राजा का महल है भाई, बात बहुत सुंदर है यहाँ का। अब देखते हैं चेक इन का ऑप्शन कहाँ पे है, सब पे लगेज उतार देते हैं। इस तरह का व्यू है यहाँ पे, सो यहाँ पे दो नाइट का स्टे है हमारा, अब देखते हैं फिटिंग कैसा है। थैंक यू थैंक यू। Yeah.
यहाँ पर चलते हैं। तो देखते हैं कैसे हैं रूम्स। अकॉर्डिंग टू योर आई डी लाइक कटारिया एंड 32 ऐसे यानी सब कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। एंड दिस वन इज द सेकंड रूम। ये बेसिकली जो महल था ना उसी को ही कर करा के उन्होंने यहाँ पे रूम्स बना दिए हैं। सो ये तो जरूर ट्राई करेंगे। उस रूम में पड़ी, उस रूम में लिया सब रूम के साथ ही लेक पैलेस है। सर राजो जो राजा जी यहाँ पे हैं, जो प्रिंस हैं उनके सारा ये है। अब देखते हैं लेक पैलेस। इस तरह के स्टेयर्स हैं यहाँ पे कुछ। वाह क्या व्यू है भाई। कितना सुंदर व्यू है। ये यहाँ के कुछ व्यू हैं, ज़बरदस्त व्यू। वही कितना सुंदर है ना ये तो। सो यहाँ से नीचे जाके बोट से हम वो जो सामने ताज होटल है वहाँ जा सकते हैं। ये फुल्ड था तो इसलिए हमने 2 दिन का स्टे यहीं करवा लिया। रूम्स अलग थे, मिले अलग गए, उसकी कहानी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। हो सकता है अभी तक कुछ मामला सुलट जाए, देखते हैं क्या बनता है। इस तरह का कुछ डाइनिंग एरिया का। आइए सर। थैंक यू। खाना बहुत स्वाद था यहाँ का। हर एक चीज़ हमें चांदी के बर्तनों में परोसी गई। और जब बिल आया और बिल देखते हमारे जो हाव भाव सारे चेंज हो गए। जो खाना अच्छा लग रहा था वो ठंडे मीठे लगना स्टार्ट हो गया। पर बहुत मज़ेदार खाना था, बहुत ज़बरदस्त डिनर। खाना ज़बरदस्त था, हर एक चीज़ परफेक्टली अलाइंड, परफेक्टली सर्व्ड थी। खाना ज़बरदस्त। सुबह इस आज के व्लॉग का मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई होप कि मज़ा आएगा आपको आज के व्लॉग के अंदर, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। सो मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। बहुत मज़ा आने वाला आपको कल एक नए व्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। कमेंट करके बताएँ कि आपको और क्या क्या चाहिए इस व्लॉग के अंदर, और क्या क्या मतलब ऑब्जर्व करते हैं मेरे अंदर कि क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय।